नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है। अब सभी अभ्यर्थियों को इंतजार है बीपीएससी टीआरई 4 का। तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियली बता दिया गया है कि विधानसभा चुनाव के पहले कुछ 5 लाख पदों पर बहाली होने वाली है। तो ये बिहार में भर्ती होने वाली है और हम इसमें देखेंगे कि शिक्षा विभाग के अलावा भी कुछ अन्य विभाग हैं जिनमें भर्तियां होंगी। फिलहाल ये समझिए कुल 2,11,000 लाख पदों पर भर्ती होने वाली हैं, वो भी जो बिहार का विधानसभा चुनाव है उसके पहले। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें देखेंगे, जल्द ही सरकारी नौकरियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवर्गों 2,11,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों की सूची संबंधित आयोगों को भेज दी है। जो प्रशासन ने है, जो पद रिक्त हैं उनकी सूची आयोग को भेज दी है। आयोग इसका नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इसमें सबसे पहले अधिक नियुक्तियां स्कूली शिक्षकों की होने वाली हैं। सबसे ज़्यादा आप भर्ती देखेंगे इसमें शिक्षा विभाग में ही होने वाली हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 2,80,000 लाख और पदों के नियुक्ति के लिए अधियाचना की प्रक्रिया भी जारी है। 2,11,000 तो पद आ रहे हैं, इसके अलावा जो 2,80,000 पद हैं उनके लिए अभी प्रोसेस चल रहा है, वो बाद में उसकी भी भर्तियां निकलेंगी। कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए, कुल मिलाकर 5 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पूरी कर ली जाएगी। मतलब विधानसभा के चुनाव के पहले 2,11,000 है और जो 2,80,000 है, वो दोनों मिलाकर ये भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, बीपीएससी को सरकार ने 1,34,572 शिक्षक पदों की अधियाचना उपलब्ध करा दी है। अब देखिए 1,34,572 इतने शिक्षकों की भर्ती होनी है, इन्होंने अधियाचना उपलब्ध करा दी है। अगले कुछ महीनों में इसके लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अभी 1-2 महीने के अंदर हो सकता है इसका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाए। इसका देखिए, लखनऊ जो विश्वविद्यालय होंगे बिहार के, वहाँ भी 4,261 पद निकलेंगे, इसमें साफ कहा गया है। और पदों को भरे जाने की जिम्मेवारी राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को दी गई है। स्वास्थ्य महकमे में 12,169 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसमें डॉक्टरों के 1,394 पदों पर भर्ती के लिए बीपीएससी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि लिपिक के लिए 69 पदों के लिए राज्य चयन आयोग को, तकनीकी पदों के लिए सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। दरोगा के लिए 1,339 पदों पर बिहार पुलिस आयोग को, वहीं सिपाही के लिए 21,391। अब सिपाही पदों के लिए 21,391 पद यहाँ पर आ रहे हैं, ये सिपाही के हैं, लेकिन दरोगा के कम है, दरोगा के 1,339 हैं। तो ये भर्ती कुछ ही महीनों के अंदर होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न आयोगों को भेजी रिक्तियों की सूची, चरणावर निकलेगा विज्ञापन, ठीक है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारी कैटेगरी वाइज भर्ती है किसमें कितनी होनी है। तो यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे किस विभाग में कितनी होनी है भर्ती। सबसे पहले शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है 1,38,833। फिर गृह विभाग में होने वाली है 22,730। उसके बाद दरोगा विभाग में होने वाली हैं भर्तियाँ आपकी 1,339। सिपाही की 21,391। स्वास्थ्य विभाग में 12,169। पंचायती राज में 4,070। राजस्व भूमि सुधार में 3,769। जल संसाधन में 3,939। लघु जल संसाधन में 1,002। ग्रामीण कार्य में 1,843। नगर विकास में 2,769। कृषि में 1,441। कैबिनेट विभाग में 1,313। और कला संस्कृत में 50 पद आने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे भवन निर्माण में 1,525। पीएचईडी में 1,351। विज्ञान व प्रौद्योगिकी में 770। परिवहन विभाग में 106। खान भूतत्व में 58। पथ निर्माण में 1,219। योजना एवं विकास में 3,417। पर्यावरण एवं वन में 111। मद्य निषेध में 522। सहकारिता में 140। गन्ना उद्योग में 256। वाणिज्य कर में 195।
खाद्य उपभोक्ता संचरण के लिए 172, वित्त विभाग के लिए 165। कुल 2,11,000 पदों की जो भर्ती है जल्द ही निकलने वाली है। उसके बाद अधियाचना चल रही है 2,80,000 और पदों के लिए, और ये जो दोनों मिलाकर कुल पद हो रहे हैं 5 लाख के करीब। ये भर्तियां विधानसभा चुनाव के पहले ही करवा दी जाएंगी। यहाँ पर देख भी सकते हैं विभिन्न आयोगों को दी गई है पदों की अधियाचना, ये सारी अधियाचना दे दी गई हैं और आपको जल्द ही 2-3 महीने के अंदर ही पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट मिलेगा। 1-2 महीने में आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नगर विकास विभाग में भी 3,596 पदों पर जल्द नियमित नियुक्ति होने वाली है। तो आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि अब BPSC TRE4 जो होने वाला है, जो खासकर हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि विधानसभा के पहले ही मानकर चलिए आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तब तक के लिए आपको थोड़ा टाइम भी मिल रहा है, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।